सेना के जवानों पर पूरा देश गर्व करता है, लेकिन आईआरबी के दो जवानों के कुकृत्य से सेना की गरिमा मलिन हो गई है। इन दोनों जवानों के कुकृत्य ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ये शर्मनाक घटना झारखंड के लोहरदगा जिले की है। लोहरदगा के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में खेत में एक आदिवासी विधवा महिला घास काट रही थी। इसी बीच आईआरबी के दो जवान वहाँ पहुँचे और हैवानियत की हद पार कर दी। दोनों जवानों ने उस अधेड़ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, महिला के निजी अंग पर भी लात जूतों से प्रहार की। महिला किसी तरह घर पहुंची, उसने अपने घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी। लहूलुहान अवस्था में घर वालों ने चंदा इकट्ठा करके महिला को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। पीड़िता की हालत गंभीर है, उसकी स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस शर्मनाक घटना के बाद ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं, बॉक्साइट के परिवहन को ठप कर दिया है। इस घटना पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने लोहरदगा के एसपी एम राम कुमार को त्वरित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र रिपोर्ट मांगा है। लोहरदगा एसपी एम राम कुमार सेरेंगदाग पिकेट पहुंचकर घटना की जानकारी ली। एएसपी दीपक पांडे और डीएसपी परमेश्वर प्रसाद गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन ग्रामीण दुष्कर्मी जवानों को सजा देने और पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। रांची रेंज के डीआईजी अनीस गुप्ता ने बताया कि दोनों जवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोनों को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई करने की भी उन्होंने जानकारी दी। इस शर्मनाक घटना में शामिल दोनों जवानों में एक का नाम कृष्णकांत तिवारी है और दूसरे का नाम अजय बाड़ा है। इस पूरी घटना के खिलाफ आसपास के इलाकों में लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है।